everyone. Myself, Amandeep Kaur. I am a business coach and I guide people who want to change their life, want to gain some success in their life. And if you are one of them, please like and subscribe to my channel. आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग. जी हाँ, आपने बिल्कुल सीख सुना. कुछ लोगों के मन में बहुत डर होता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ना ये मेरे से नहीं होगा. तो आज उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि 2012 में जब मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा, तब मैं बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि जिस चीज को मैं करने वाली हूँ वो नेटवर्क मार्केटिंग है. जब हम छोटे थे तब मम्मी बोलते थे कि कुछ चीजें ना पता हो तो अच्छी बात है. तो आज सच में मुझे सही लग रहा है कि एट दैट टाइम अगर मुझे पता होता कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये आना था, शायद मेरे से नहीं होगा. एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि अगर सातवीं मंजिल पर किसी बच्चे को जिसको लैंग्वेज की समझ नहीं है एंड सिर्फ वो दौड़ना चलना जानता है, तो एक बॉल रख दोगे और उसको बोलोगे कि तुमने तेजी से भाग कर उसको लेना है, तुम गिर भी सकते हो, तुम्हें चोट आ सकती है, हड्डी वड्डी भी टूट सकती है, लेकिन उसको आपकी बातें नहीं सुनेगी, उसको वो बॉल दिखेगी एंड वो सीधा भाग कर जाएगा और जल्दी से बॉल को लेकर आएगा. और वही जिस बच्चे को लैंग्वेज की समझ है उसको बोलोगे तो वो बोलेगा अरे हड्डी वड्डी टूट सकती है, डांट पड़ जाएगी, छोड़ो बॉल को क्या लेना, पहले ही मन में डाउट आ जाएगा. तो मेरा फर्स्ट टिप यही है कि रिस्क एंड जो आपको डाउट है वो आप निकाल के, डर ये चीजों को निकाल के अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करते हो तो सबसे बड़ी बात है कि आप सक्सेस को पा जाते हो. क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो कोई रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जब मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जो मैं किसी के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि 2012 से लेके 2020 तक जो मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीजें देखी हैं वो आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ. क्योंकि रिस्क फैक्टर नहीं था जब मैं एंटर करी, तो ना तो वहां मुझे क्वालिफिकेशन पूछी गई, ना तो मुझे ये पूछा गया आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, और ना ही ये पूछा गया कितने घंटे दोगे अपने बिजनेस को. तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स में जितना मैं ईजी कर सकती थी उतना मैंने किया. तो सबसे पहला टिप यही है कि डर और रिस्क को निकाल के इसको स्टार्ट करें. सेकेंड टिप है कि रिलेशनशिप, क्योंकि और जो होता है एक फैमिली की तरह है ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग जो है. एक फैमिली को अगर आप लेकर एग्जांपल चलोगे तो एक फैमिली में जैसे मेंबर ऐड होते हैं वैसे ही हमारे बिजनेस में है. तो जैसे आप फैमिली में रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हो, उनके दुख आपके दुख, उनके सपने आपके सपने, उनकी वाई आपकी वाई. तो यस, ये 8 सालों में मैंने ये सीखा है कि जो मेरी फैमिली के जो मेंबर जुड़ रहे हैं मेरे साथ, सपने उनके नहीं, सपने मेरे हैं. क्योंकि जब उनके सपने पूरे होते थे तो ऑटोमेटिकली मेरे सपने भी पूरे होने लगे. सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ये रिलेशनशिप जो है ये प्यार का बिजनेस है, और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ बिजनेस है जहां आप प्यार दे रहे हो और वहां आपको बदले में इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आप फेमस हो रहे हो. और इसमें तो इन्वेस्टमेंट में तो कुछ भी नहीं लगा, क्या लगा? प्यार. और वो आपने तीन चीजें अपने दिमाग में रखनी है. एक तो दिमाग में ठंडक रहे, मुंह में मिठास रहे और दिल में आग रहे दूसरों के सपने को पूरा करने की. और इसी के साथ मैं ये एक बात बोलूंगी कि आपको खुद की, जो मेरी थर्ड टिप वो ये है कि आपको खुद की एक एग्जांपल सेट करनी पड़ेगी हार्डवर्क की, ना थकने की एग्जांपल, कि मुझे थकना नहीं है. जो आपके डाउन में लोग आपको देखते हैं वही वो करते हैं इम्प्लीमेंट. तो आपको एक ऐसी एग्जांपल सेट करनी है कि अगर आपकी लीडर हार नहीं मानती है तो मानिए आपके नीचे जो डाउन में आपकी पूरी नेटवर्क जुड़ रहा है जिसके साथ आप ग्रो करोगे, वो भी यही चीज को फॉलो करेंगे कि नेवर गिव अप एटीट्यूड आप सबका होना चाहिए. तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ये 3 या 4 चीजों को लेकर चलते हो तो आपको आपकी सक्सेस पाने में कोई नहीं रोक सकता. क्योंकि जैसे आज लॉकडाउन का पीरियड है तो मैंने सुना था कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जो आपको फ्यूचर में बहुत इनकम देकर जाता है. तो जैसे ही पता चला कि अब आप लोग घर पे रहोगे, बाहर नहीं जाओगे, हम किसी को मिल नहीं सकते, तो ये एक ऐसा बिजनेस था जहां हमने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को कनेक्ट करके उनको अच्छा बिजनेस सिखाते गए, अपनी फैमिली को इंक्रीज करते गए एंड सीरियसली
कुछ लोग मेरे बिजनेस में ऐसे भी हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आए और इस वक्त वो अभी काम नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल जो हार्डवर्क उन्होंने अपने पास्ट में करा था वो आज मतलब आज की डेट में उसी चीज का इनकम ले रहे हैं। सो आप सोच सकते हो कि इसमें हम अगर सोचें तो एक प्यार का बिजनेस करते करते एक प्यार से हम जब इस चीज को आगे लेकर जा रहे थे और इतनी बड़ी फैमिली को मैंने क्रिएट करा एंड मैं आज आप सबके साथ अपनी अगर अचीवमेंट्स को शेयर करूं तो यस आई एम अ प्राउड डायमंड डायरेक्टर विद ओरिफ्लेम एंड मैं अपने ब्रांच में नंबर वन लीडर का टाइटल विन कर चुकी हूं। अपने साथ कई ऐसे लोगों की जिंदगियों को बदल चुकी हूं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अर्निंग करी है एंड ये भी बताना चाहती हूं कि बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है उन लोगों की, लेकिन हाँ जज्बा यहां से था, दिल में आग थी कि अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ जिंदगी में बेनाम आए तो हैं, बेनाम होकर जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ करके जाएंगे। सो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, डरिए नहीं। और हम हर मंडे शाम को 5 बजे वेबिनार करते हैं, अगर आप लोगों को उसका लिंक चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर छोड़िए एंड वी विल डेफिनेटली कॉल यू बैक। एंड मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ये फर्स्ट पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, और सीरियसली जिन लोगों के साथ मैंने ये अपना नेटवर्क खड़ा करा है, बिल्डअप करा है, उन लोगों की रियल टेस्टिमनी के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।